पिछले कुछ समय से कांग्रेस में हर चुनाव के बाद ऐसे ही G23 के नेताओं की बैठक हो रही है और यह भी औपचारिकता ही होती है। ये नेता हर बार कांग्रेस के चुनाव हारने पर मंथन करते हैं, डिनर पर मिलकर हर बार कहते हैं कि नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए, होता कुछ नहीं है। फिर अगली बार जब फिर चुनाव आता है, कांग्रेस जब फिर हार जाती है, तो फिर से G23 के नेताओं की नाराजगी का दौर शुरू हो जाता है। कांग्रेस में यही सब एक बार फिर से हो रहा है। रिपीट, 24 घंटे में दूसरी बार इन नेताओं की मीटिंग हो रही है। देश होली की मस्ती में डूबा हुआ है। बीजेपी पिछले एक हफ्ते से ही होली के माहौल में है। लेकिन कांग्रेस के लिए पिछले कई सालों की तरह इस बार की होली भी फीकी ही रही है। लेकिन कुछ साल पहले तक कांग्रेस का हाल ऐसा नहीं था। ये 6 साल पहले की तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बाकी कांग्रेसी मिलकर होली मना रहे हैं। देश से उनकी सरकार गए हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन शायद उन्हें तब तक इस बात का एहसास नहीं था कि आने वाले वर्षों में उनकी पार्टी का और बुरा हाल होने वाला है। धीरे धीरे करके बीजेपी पूरे देश में जीतती चली गई और कांग्रेस विलुप्त सी हो गई। इस बार के नतीजों ने तो कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य छीन लिया, पंजाब। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस का आखिर इतना बुरा हाल हुआ क्यों? क्या उसे अपनी कमजोरियां नहीं समझ आई, या बीजेपी की ताकत का अंदाजा नहीं हुआ, या फिर कांग्रेस का नेतृत्व इतना अहंकारी है कि उसे जमीन की समस्याएं नजर नहीं आ रही? ये सारे आंकलन हमारे नहीं है बल्कि कांग्रेस के उन नेताओं के हैं जो अपने केंद्रीय नेतृत्व से नाराज हैं। खुलकर नहीं बोलते हैं लेकिन हर चुनाव के बाद अपनी नाराजगी जाहिर जरूर करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। इस गुट का नाम है G23, जो 5 राज्यों के हार के बाद एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और इसीलिए कल रात इस गुट ने गुलाम नबी आजाद के घर पर मुलाकात की, डिनर पर। इस बार इस ग्रुप में 4 नए नेता भी शामिल हुए हैं, डॉक्टर शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, परनीत कौर और शंकर सिंह वाघेला। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक G23 की इस बैठक में कांग्रेस की एक के बाद एक हो रही लगातार हार और गांधी परिवार की भूमिका पर लंबी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में तय हुआ कि एक प्रेशर ग्रुप के माध्यम से कांग्रेस नेतृत्व पर बदलाव करने के लिए दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बैठक में कांग्रेस नेतृत्व के कुछ फैसलों पर भी आपत्ति जताई गई, जैसे पंजाब में पार्टी को बुरे हाल में पहुंचाने वाले हरीश रावत उत्तराखंड में अघोषित मुख्यमंत्री कैसे हो गए, प्रदेश अध्यक्षों के साथ प्रभारी महासचिवों का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया, राहुल गांधी के इर्द गिर्द चाटुकार राजनेताओं का समूह उन्हें सच्चाई देखने नहीं दे रहा, हार की समीक्षा के लिए अजय माकन और अविनाश पांडे जैसे राज्य प्रभारियों को जिम्मेदारी क्यों दी गई, G23 नेताओं की इस बैठक में ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और खास तौर पर गांधी परिवार पर बहुत बड़े आरोप हैं। इसीलिए इस बैठक में कुछ कड़े फैसले लेने पर भी बात हुई, जैसे अब अध्यक्ष पद किसी और को सौंप कर सामूहिक नेतृत्व की तरफ बढ़ना ही विकल्प है। ये भी सहमति बनी कि कांग्रेस पार्टी को नहीं तोड़ना चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व अगर G23 नेताओं की बात नहीं सुनता तो फिर जनता के बीच भी जा सकते हैं। सभी मांगों को लेकर गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मिलेंगे। दो तरीके के किसी भी पार्टी में दो तरीके का नेतृत्व होता है, एक वो जो चेहरा जो पब्लिक के बीच में जाता है और एक संगठन के चेहरे जो संगठन को चलाते हैं, उसमें ऊर्जा भरते हैं, उसमें एकता रखते हैं। इन दोनों में गांधी परिवार कब की भी अपनी भूमिका है, लेकिन अब वो समय नहीं रहा कि केवल इन्हीं की भूमिका है। ये बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। ये लोग धूमिल करना चाहते हैं पार्टी को बेमतलब, और इस तरीके की हरकत करने की बदौलत ये पार्टी को और कमजोर करना चाहते हैं और बीजेपी की मदद करना चाहते हैं। देखिए, घुमा फिरा के तो मदद तो बीजेपी की होगी।
अब जब तक कांग्रेस यही सोचती रहेगी कि घुमा फिराकर बीजेपी की मदद होगी, तब तक वो कांग्रेस की मदद नहीं कर पाएगी। फिलहाल जानकारी आपको अपडेट जो है वो ये दे देना चाहती हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा आज राहुल गांधी से मुलाकात करके गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात कर चुके हैं। अब क्या हुआ उसका नतीजा, इसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। जो ये समस्याएँ हैं जो इन नेताओं की तरफ से उठाई गई है पिछले 3 साल में, इनके अलावा बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है और बड़े बड़े नेता उनमें शामिल हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, सुष्मिता देव, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अभिजीत मुखर्जी, प्रियंका चतुर्वेदी, अशोक तंवर, 8 नाम और बड़े नाम, लिस्ट लंबी है, लेकिन ये कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेता हैं। इनमें से ज्यादातर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उस गांधी परिवार की नेतृत्व क्षमता की भी अब बात करनी चाहिए जिसकी वजह से पार्टी में ये टूट हो रही है, और गांधी परिवार की बात हम उस दौर में करेंगे जब कांग्रेस के लिए नेतृत्व का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। सबसे पहले सोनिया गांधी, उनकी बात करते हैं। 10 अगस्त 2019 से अभी तक कांग्रेस की वो अंतरिम अध्यक्ष है। उनके नेतृत्व में कुल 14 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस लड़ी, जिनमें से सिर्फ कांग्रेस ने 2 राज्यों में जीत हासिल की, वो भी गठबंधन में, जबकि 12 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई है। इसी तरह आप राहुल गांधी की बात कर लीजिए। 17 दिसंबर 2017 से 3 जुलाई 2019 तक कांग्रेस के अध्यक्ष वो रहे। उनके अध्यक्ष काल में कांग्रेस ने 2019 लोकसभा का चुनाव लड़ा। कांग्रेस 421 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 52 सीटों पर ही जीत पाई। इसके अलावा इसी दौरान 13 राज्यों में चुनाव हुए, चुनाव कांग्रेस ने लड़े भी, जिसमें सिर्फ 3 में जीत हासिल की और 10 चुनाव हार गए। तो क्या कांग्रेस की हार के लिए परिवार ही जिम्मेदार है? आपके सामने रिपोर्ट। पिछले 24 सालों से कांग्रेस पार्टी पर गांधी परिवार का ही कब्जा है। पहले सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, फिर राहुल गांधी अध्यक्ष बने, राहुल गांधी हटे तो फिर सोनिया गांधी बन गई। कांग्रेस धरातल से रसातल में जा रही है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी से ही आवाज अब बुलंद हो रही है कि अब परिवार से नहीं हो पाएगा। परिवारवादी राजनीति का ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। इसी परिवारवाद की बात बीजेपी भी करती है, तो क्या ये माना जाए कि जब तक कांग्रेस पर गांधी परिवार का कब्जा रहेगा तब तक बीजेपी ऐसे ही मजबूत बनी रहेगी? मैं साक्षी हूँ अहमद भाई का। अहमद भाई पटेल का जो काम रहा कांग्रेस में दिल्ली में, 77 से वो गए पार्लियामेंट मेंबर बनके, तो जब तक इनका स्वर्गवास हुआ तब तक पूरे गांधी फैमिली को, कांग्रेस को इन्होंने एक आवरण देकर इतना संभाला, प्रॉब्लम अपने ऊपर लेते, किसी को मिलना है तो मिलने के लिए ले जाते, सोनिया जी से ब्रीफ करते, उसको भी ब्रीफ करते, और आखिर खुश होकर वो आदमी या वो कार्यकर्ता बाहर निकलता था। वैसे कांग्रेस में ये गड़बड़ हो क्यों रही है? पुराने कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि जब तक सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल थे सब कुछ ठीक था, अब सलाहकार ही गड़बड़ आ गए हैं। खुद राहुल गांधी ने इस बात को माना जब उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं भाई अभी शायद किसी और को लाया जाए, और मैं ये बात को बार बार उठाता रहा हूँ, उस समय जो हमारे अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो आप लोग मिलकर नया अध्यक्ष चुनो ना। ऐसा नहीं है कि ये सवाल पहली बार उठ रहे हों। सोनिया, राहुल और प्रियंका के सलाहकार पुराने और सीनियर कांग्रेसी नेताओं के निशाने पर हमेशा ही रहे हैं। कांग्रेस को तुरंत आत्ममंथन करना ही होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।